नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू मॉम्स क्लाउड किचन। आज हम फिर आए हैं आपका मुँह मीठा कराने एक मीठी मीठी रेसिपी के साथ। जी हाँ, ये सात्विक है बिल्कुल, और नवरात्रों में भी खाया जा सकता है और वैसे भी आप बना के खा सकते हैं। जी हाँ, आलू का लच्छा हलवा। ये बहुत ही पौष्टिक होता है और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स में बनता है और फटाफट बनने वाली रेसिपी है। इस हलवे को बनाने के लिए हमें ये इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। मेन सबसे पहले आलू, ये मैंने 3 आलू ले लिए हैं छिलकर, अच्छी तरह से धोकर। इनको हम अभी कद्दूकस करेंगे। ये घी, बादाम, काजू, किशमिश, थोड़े से मगज़ और ये देसी बूरा खांड और थोड़ा सा केसर। आइए शुरू करते हैं। अब हम इन आलुओं को कद्दूकस करेंगे। बड़ी तरफ से कद्दूकस कर रहा है ताकि इनके लच्छे थोड़े बड़े निकलें। और कद्दूकस करके इनको पानी में डाल रखे रहना है। ये देखिए मोटी तरफ करने से कितने सुंदर लच्छे निकले हैं। हमें ऐसे ही लच्छे चाहिए। हम बाकी आलुओं को भी ऐसे ही कद्दूकस कर लेंगे। हमने आलू के लच्छों को पानी में से निकाल लिया है और छन्नी में से इसका सारा पानी निकल गया है। अब हम अपना हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम थोड़ा सा घी डालेंगे पैन में और अपने ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा सॉटे करेंगे। ये मैंने पहले काजू डाले, फिर इसके साथ बादाम डाले। काजू और बादाम को थोड़ा हल्का भून लेंगे। अब इनमें थोड़ा सा हम अपनी किशमिश भी डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा सेक लेने से इनका कच्चापन निकल जाता है और खुशबू अच्छी आने लग पड़ती है इनमें से, इसलिए हम इनको सेक लेते हैं थोड़ा सा। इनको लगातार चलाना पड़ता है ताकि ये कहीं एक तरफ से जल ना जाए, क्योंकि सिकते भी बहुत जल्दी हैं। चलिए, अब हम किशमिश हमारे फ्राई हो गए, हम इनको निकाल लेते हैं। अब इसी ऑयल घी में हम और 2 चम्मच घी डालते हैं और इसमें हम अपना लच्छा डाल दे रहे हैं। इनको हम थोड़ा सा चला देंगे क्योंकि नीचे वाला लच्छा सिक गया है। ये थोड़ा सा केसर हमने पानी में घोला हुआ है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। आंच को हम धीमे कर देंगे। ये ड्राई फ्रूट्स हम ऊपर डाल देंगे इसके, थोड़े से हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। और ये चीनी भी हम इसके ऊपर, जो मैंने आधी कटोरी चीनी ली है देसी खांड, ये इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। आंच धीरे करके इसको 5-10 मिनट के लिए पकने देंगे हम। सिम आंच पर हलवे को पकते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। बिल्कुल जी, हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। देखिए नीचे से कैसा क्रिस्प हुआ पड़ा है, केसर ने रंग कितना अच्छा छोड़ा है इसमें।
और यही इसकी खूबसूरती है इस हलवे की। आप बनाएंगे और खाएंगे तब आपको पता लगेगा कि दूसरे हलवे आलू के हलवे से यह हलवा डिफरेंट कैसे है। आइए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए कितना झटपट तैयार हुआ है हमारा ये लच्छे वाला आलू का हलवा, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत जल्दी। हार्डली इसको बनाने में 15 मिनट लगे हैं हमें। इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाइए, बहुत जल्दी और बहुत स्वादिष्ट बनेगा ये। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं और इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस हलवे को बनाइए और इसका मज़ा लीजिए।